आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का जो सवाल है इसमें दिया है नीचे दिए हुए इलेक्ट्रॉन विभव का उपयोग करते हुए कथन 1, 2, 3, 4 के बारे में सही कथन बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपचीयक दी हुई है, Fe2+Fe बन रहा है, Cu2+Cu बन रहा है, Ag+Ag बन रहा है। इन सबका हमें इलेक्ट्रॉन अपचयन विभव पता है। ठीक है, तब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया, दूसरा, तीसरा और चौथे ऑप्शन दिया, ये सारे हमें देखना है सही है गलत है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन दिया कॉपर FeSO4 विलयन से Fe को विस्थापित करती है, इसी प्रकार से हमें विस्थापित करना है। ठीक है, तो देखो विस्थापित कैसे करते हैं, तो अगर मान लो हमारे पास एक यौगिक A है, दूसरा यौगिक B है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें A का, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपचयन विभव ये हमें पता है, मान लो ये E0 इसका दिया है या था। ठीक, B का मान लो हमें E0 दिया है Y, तो अगर इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, पहली कंडीशन यक से बड़ा होगा वाई। ठीक, अगर यक से बड़ा होगा वाई से तो क्या होगा कि जो बी है बी ए को विस्थापित कर सकता है। अगर यक से बड़ा होगा वाई से तो यहां से बी ए को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, अगर यहां पर बात करें दूसरी कंडीशन कि y बड़ा हो x से, तो यहां से हम क्या होगा a b को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो यहां से ये दो केस हम देखते ये बोल सकते हैं कि अगर जिसका E0 ज्यादा है, सॉरी जिसका E0 कम है, वह क्या करता है, वह दूसरे आयन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, यदि हमें कभी भी तुलना करनी है दो यौगिकों में तो हमें ये देखना है कि किसका E0 कम है, अगर E0 उसका कम है तो वह दूसरे यौगिक को विस्थापित कर देगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर जितने E0 वैल्यू दिए हुए हैं इसका प्रयोग करके यहाँ से हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें E0 वैल्यू की, E0 मान की, देखो किसका दिया है, Fe का दिया है, Fe, Cu और Ag का दिया है। ठीक है, मैं तीन चीजों का, अब देखो इसमें कौन सबसे ज्यादा है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो Ag का सबसे ज्यादा दिया है, फिर Cu का दिया है, फिर Fe का दिया है। ठीक है, तो अब देखो तो हमें ये पता है कि जिसका E0 कम होता है वह अपने से ज्यादा वाले को विस्थापित कर देता है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Fe Cu को विस्थापित कर सकता है, Fe Ag को विस्थापित कर सकता है। ठीक, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर सारी चीजें लिखे ले रहे हैं कि Fe क्या क्या कर सकता है, Fe कर सकता है, Ag को विस्थापित कर सकता है और Cu को विस्थापित कर सकता है। अब Cu की बात करें तो Cu किसे विस्थापित कर सकता है, सिर्फ Ag को कर सकता है। अगर हम बात करें Ag को, ये Ag किसी को विस्थापित नहीं कर सकता, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखो पहला ऑप्शन देखें, कॉपर FeSO4 विलयन से Fe को विस्थापित कर सकता है, तो देखो नहीं, कॉपर सिर्फ Ag को कर सकता है, अतः पहला वाला तो हमारा देखो गलत हो गया क्योंकि कॉपर सिर्फ Ag कर सकता है। फिर दूसरे वाले में बात करें, आयरन FeSO4 विलयन से Fe को विस्थापित कर सकता है, तो यानी आयरन Cu को विस्थापित कर सकता है। ठीक, हमें यह देखना है। तो देखो यहाँ से, तो देखो अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आयरन FeSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर सकता है, इसका मतलब FeCu को विस्थापित कर रहा है। क्या FeCu को विस्थापित कर सकता है, देखो यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से कर सकता है, FeCu को विस्थापित कर सकता है, अतः दूसरा हमारा सही है, सिल्वर FeSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर सकता है, यानी Ag Cu को विस्थापित कर रहा है, तो गलत है, Ag किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये गलत हुआ। चौथे की अगर बात करें, आयरन AgNSO4 विलयन से Ag को विस्थापित कर सकता है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, Fe Ag को विस्थापित कर रहा है, क्या Fe Ag को विस्थापित कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, यहाँ से हम देख सकते हैं तो हमारा ये सही है। तो इसके हिसाब से देखें हमारा दूसरा और चौथा सही है, तो आता है हम कह सकते हैं जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।